दिल्ली के एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सरकार की सहायता और सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार एलजी का है। इस तरह आम आदमी पार्टी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। पिछले साल मई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में गेजेट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत एलजी ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नहीं बल्कि अपने विवेक से एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं कि एलजी अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला, और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है ये। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थी और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति बनाएंगे। 1993 के एमसीडीएफ में संशोधन का हवाला दिया गया, इसमें क्यों राज्यपाल के पास वो शक्ति है कि वो एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं? भाई, सरकार दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल ही मुहर लगाते हैं, लेकिन सरकार की अनुशंसा पे, सरकार की रिकमेंडेशन पे। दूसरे राज्यों में भी मनोनीत सभासद और पार्षद होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार उनके नाम भेजती है और राज्यपाल उस पर मुहर लगाते हैं। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? यहां क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों की और लोकतंत्र के भावना के विपरीत फैसला है। आगे जो भी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, आपको लगता है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए से झटका लगेगा? उसमें जीतेंगे हम लोग, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जीतेंगे। आगे क्या इसके खिलाफ आप लोग अपील करेंगे? अब वो बैठ के पहले पूरा आदेश देखना होगा और क्या फिर उसके बारे में सरकार क्या करेगी वो देखेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।